हे एवरीवन, वेलकम टू माय फाउंडेशन क्लासेस यूर एनी टाइम क्लासरूम। तो गैस अभी चल रहा है हमारा बिहार ESI यानी इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर का टेस्ट सीरीज, ठीक है, जो आपके परिवहन विभाग में वैकेंसी आया हुआ है। और इसमें हमारे बहुत सारे सेट्स हो चुके हैं, आपको शुरू से लेकर लास्ट तक सारे सेट्स लगाने हैं। अगर आपको टाइम बीत जाता है और आप भूल जाते हो तो फिर से एक बार लगाओ, क्योंकि सारे क्वेश्चंस बेहद इंपॉर्टेंट हैं। और अगर आप सेट्स लगाते रहते हो तो आपका क्वेश्चंस रिवाइज होते रहेगा, ठीक है। इसी सीरीज में आज हम लोग करने जा रहे हैं एक और सेट। और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक लाइक कर दो यार, और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं सबको बुला लो जल्दी से, ताकि हम लोग सब मिल के सेट शुरू कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेट। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, केंद्र राज्य संबंधों में सुधार की सिफारिशों के लिए 1970 में तमिलनाडु सरकार द्वारा 3 सदस्यीय समिति के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। तो केंद्र और राज्य के संबंधों में सुधार के लिए 1970 में तमिलनाडु सरकार के द्वारा 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था, आपको बताना है इसका प्रमुख कौन था। कौन था इसका प्रमुख? इसका प्रमुख था PV राजा मन्नार। क्या था नाम उनका? PV राजा मन्नार, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिरक्षात्मक रोगों का इलाज निम्न में से किस दवा से किया जाता है। ये चार दवाई का नाम है, इसमें से बताना है जो भी प्रतिरक्षात्मक रोग हैं इनका इलाज कैसे किया जाता है, किस से किया जाता है? गामा ग्लोबुलिन से। किससे? गामा ग्लोबुलिन से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, डैश एक संवैधानिक निकाय है जिसे अनुसूचित जातियों के शोषण के खिलाफ सुरक्षा उपायों को प्रदान करने और उनके सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक और सांस्कृतिक हितों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। तो चार ऑप्शंस आपको मिलेंगे, इन चारों में से आपको बताना है। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है लेकिन पढ़ो और आंसर करो। क्या होगा आपका सही आंसर? आपका सही आंसर होगा अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग, ठीक है। इसको NCSC भी बोलते हैं, NCSC। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस लेंदी है इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा होगा, ठीक है। NCSC का फुल फॉर्म क्या होता है? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य ने भारत की पहली अपनी फल ट्रेन 1980 मेट्रिक टन की हैप्पी बनाना ब्रांड नाम से शुरू किया है। 1980 मेट्रिक टन के साथ हैप्पी बनाना ब्रांड नाम से भारत की पहली फल ट्रेन को लॉन्च किया गया। आपको यह बताना है किस राज्य में ऐसा हुआ है, किस राज्य में हुआ है? यह हुआ है कर्नाटक में, ठीक है। सॉरी, कर्नाटक में नहीं, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पहला साप्ताहिक बंगाली समाचार पत्र समाचार दर्पण प्रकाशित किया गया था किसके द्वारा? किसके द्वारा किया गया था? मॉर्समैन के द्वारा, ठीक है। मॉर्समैन इसके संपादक थे, और ये वीकली समाचार पत्र समाचार दर्पण, और ये हर सैटरडे को निकलता था, ठीक है। और इसके संपादक कौन थे? मॉर्समैन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पेशवाओं में से कौन नाना साहेब के नाम से प्रसिद्ध थे? नाना साहेब के नाम से कौन जाने जाते थे? ये थे बालाजी बाजीराव, ठीक है। नाना साहेब पेशवा को बालाजी बाजीराव के नाम से जाना जाता है, जो बाजीराव के पुत्र थे और मराठा साम्राज्य के पेशवाओं में से एक महत्वपूर्ण इनका योगदान रहा है। अगला क्वेश्चन है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 लाने के लिए कौन उत्तरदायी था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के लिए उत्तरदायी कौन था? कौन था? ये था लॉर्ड लिटन, ठीक है। यह भारतीय भाषाई जो समाचार पत्र थे उसको नियंत्रित करने के लिए एक एक्ट लाया गया था, जिसको 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कहा गया, और ये लाया गया था लॉर्ड लिटन के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने निम्नलिखित में से कहाँ से अकूत संपदा प्राप्त कर दिल्ली तख्त अधिकृत किया? जल्दी बताओ, अलाउद्दीन खिलजी, आपको पता होगा अलाउद्दीन खिलजी अपने जो कुल है उसका एक बहुत ही प्रतापी राजा हुआ, बहुत ताकतवर राजा हुआ, लेकिन ये गद्दी पर कैसे बैठा? अगर ये स्टोरी आपको याद रहेगा तो फिर आपको लंबे टाइम तक याद रहेगा इसके बारे में, ठीक है। आपको पता है कि अलाउद्दीन खिलजी जो है यह गद्दी पर बैठा कैसे? तो इनसे पहले, अलाउद्दीन खिलजी से पहले इसका चाचा जो है जिनका नाम था जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी गद्दी पर बैठे हुए थे। अब उस समय में ये उनके एक बहुत ही खास आदमी के तरह थे, तो इनको भेजा गया था कहाँ? मालवा, बुंदेलखंड,
ठीक है, इन सब के विद्रोहियों को शांत करने के लिए। तो इन सब के विद्रोहियों के साथ इन्होंने समझौता किया और फिर अपनी सेना को लेकर ये चले गए देवगिरी, जिसके बारे में आपसे यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, देवगिरी चले गए। देवगिरी से इन्होंने बहुत सारा धन प्राप्त किया। इस वक्त जो देवगिरी के शासक थे वो थे रामचंद्र। कौन थे? रामचंद्र। ठीक है, तो रामचंद्र से इन्होंने बहुत सारा धन एकत्रित किया और इसके बाद ये चले गए जलालुद्दीन के पास, यानी अपने चाचा के पास, कि चाचा जी ये देखो मैंने धन लाया। अब इसके बीच में बहुत सारा स्टोरी हुआ, इसमें अलग अलग जो इतिहासकार हैं उनके मत भी थोड़े अलग अलग हैं, इसलिए मैं उस पेचीदा में आपको नहीं फंसाऊंगा। बस आपको ये पता करना है, ये जानना है यहाँ से कि वो धन लेकर ये गया जलालुद्दीन को देने, लेकिन वो देने के चक्कर में उसने उसकी हत्या कर दी और फिर गद्दी पर अपने आप को बिठा लिया। तो ये था इसका जो राजा है वो बनने का दौर। तो यहाँ आपसे पूछा गया था, जलालुद्दीन खिलजी ने निम्नलिखित में से कहाँ से अकूत संपदा प्राप्त किया था? तो ये क्या था? देवगिरी से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संस्थानों में से किस भारतीय संस्थान ने 2019 ग्लोबल गो टू थिंक टैंक रिपोर्ट में टॉप किया है, जिसे थिंक टैंक और सिविल सोसाइटी प्रोग्राम यानी TTCSP पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के तहत, ये एक संस्थान है जो अमेरिका स्थित है, ठीक है, इसने ये जारी किया था ग्लोबल गो टू थिंक टैंक रिपोर्ट। इसमें से टॉप किसने किया है? जो भारतीय इंस्टीट्यूट है, ठीक है, टॉप कोई और किया है, लेकिन भारतीय इंस्टीट्यूट्स में से टॉप किया गया है ऑब्जर्वर्स सोसाइटी रिसर्च फाउंडेशन। किसके द्वारा? ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। ठीक है, इसको 27th रैंक मिला है इंटरनेशनली और भारत के इंस्टीट्यूट्स में ये टॉप स्थान पर आया है। अगला क्वेश्चन है, जब बाबर ने भारत पर आक्रमण किया तो दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य का कौन शासक था? यानी बाबर के समकालीन आपसे पूछा जा रहा है शासक कौन था। तो कौन था बाबर के समकालीन? तो ये थे कृष्णदेव राय। ठीक है, पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी में, और इसी के साथ बाबर भारत में आ चुका था और इस वक्त विजयनगर के शासक थे कृष्णदेव राय। ठीक है, कृष्णदेव राय का जो शासनकाल है वह है 1509 से लेकर 1529 ईस्वी तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन चंगेज खां का समकालीन था? जल्दी बताओ, चंगेज खां का समकालीन कौन था? कौन था? ये था इल्तुतमिश। 1221 ईस्वी में इल्तुतमिश के शासनकाल में मंगोलों का उनके प्रसिद्ध नेता चंगेज खां के नेतृत्व में पहली बार सिंधु नदी के तट पर आक्रमण हुआ था। ठीक है, और यहाँ से एक चीज आपको याद रखना है कि आक्रमण हुआ था लेकिन इन्होंने कुछ किया नहीं, यहाँ से ये फिर वापस हो गए थे। ठीक है, लेकिन आपको याद रखना है कि उस वक्त यहाँ के शासक कौन थे? इल्तुतमिश। अगला क्वेश्चन है, दारा शिकोह ने निम्नलिखित में से किस युद्ध में औरंगजेब से उत्तराधिकार की लड़ाई अंतिम रूप से हारी? किसने? दारा शिकोह ने। किससे? औरंगजेब से। अंतिम रूप से कौन सा युद्ध यह हारा था? यह है सामूगढ़ का युद्ध। ठीक है, 29 मई 1658 यानी 1658 ईस्वी को सामूगढ़ का युद्ध हुआ, जहां पे शाहजहां के दो पुत्र, ये दोनों जो पुत्र है दारा शिकोह और औरंगजेब, ये दोनों शाहजहां का पुत्र था। ठीक है, दारा शिकोह ये सबसे बड़ा पुत्र था और जो प्रत्यक्ष रूप से उत्तराधिकारी है वो था, और औरंगजेब, ठीक है, इसका शायद तीसरा या चौथा पुत्र था ये। ठीक है, तो इन सब के बीच में ये युद्ध हुआ था और इसमें औरंगजेब अंतिम रूप से विजयी निकला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नीलगिरी पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी का क्या नाम है? नीलगिरी पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी का नाम है अनायमुडी चोटी। ठीक है, जो अनामलाई श्रेणी में स्थित है। ठीक है, अच्छा कहाँ ये स्थित है अनायमुडी चोटी? तो ये पश्चिमी घाट पर स्थित है, पश्चिमी घाट जो दक्षिण भारत में है, ठीक है, केरल में ये सबसे ऊंची चोटी है और इसको अगर आप एग्जैक्ट अगर देखोगे तो ये आपका जो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट है, ठीक है, दोनों के मिड पॉइंट पे आपका नीलगिरी पहाड़ी है। ठीक है, उसी पहाड़ी पर ये है। इसका अगर सेकेंड लार्जेस्ट पूछा जाए तो क्या होगा? दोदा बेटा। सेकेंड लार्जेस्ट नहीं, हाईएस्ट। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मूल के टेकी अरविंद कृष्णा किस सूचना प्रौद्योगिकी दिग्गज कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO चुने गए? क्या नाम इनका? अरविंद कृष्णा। जल्दी बताओ, अरविंद कृष्णा को किसका जो CEO है वो चुना गया है? ये है IBM के CEO। किसके? IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ठीक है, इसके CEO के रूप में ये चुने गए हैं।
अगला क्वेश्चन है, भारतीय पर्यावरण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? भारतीय पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? यह हुआ था 1986 में। किस वर्ष हुआ था? 1986 में। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी लेखक हिंगिस क्लार्क, जिनका हाल ही में निधन हो गया, उनको प्रसिद्ध रूप से किस लिए जाना जाता है? उनका एक रचना है, उन चार रचनाओं में से जो नीचे दिए हुए आपको बताना है कौन सा हिंगिस क्लार्क का सबसे प्रसिद्ध रचना है जिसके लिए ये फेमस थी। तो कौन सा है वो है सस्पेंस की रानी, क्वीन ऑफ सस्पेंस, ये इनका बहुत ही मशहूर कृति है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य ने ऑनलाइन लॉटरी की अवैध बिक्री की जांच के लिए जनवरी 2020 में ऑनलाइन लॉटरी योजना पर प्रतिबंध लगा दिया? तो कौन सा राज्य है वो? कौन सा राज्य है वो? राज्य है पंजाब। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देश में स्थित माउंट सेंट हेलेंस एक सक्रिय स्ट्रेटो ज्वालामुखी है, तो माउंट सेंट हेलेंस कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। जो चार देश दिए हुए हैं उन चारों में से आपको बताना है कहाँ स्थित है, कहाँ स्थित है ये? यूएसए में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को संविधान की किस अनुसूची में सूचीबद्ध किया गया है? कौन सा अनुसूची है वो अनुसूची है पहला अनुसूची। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को संविधान के किस अनुसूची में सूचीबद्ध किया गया? तो वो पहला ही अनुसूची है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के साथ बैंक ऑफ बड़ौदा ने लघु और मध्यम उद्यमों के क्रेडिट गुणों तक पहुंचने के लिए एक समझौता किया है? जल्दी बताओ, किस क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के साथ ये समझौता किया गया? ये किया गया है केयर के साथ, क्रेडिट विश्लेषण और अनुसंधान समिति। ठीक है, यानी केयर, केयर के साथ किसका समझौता हुआ है? बैंक ऑफ बड़ौदा का। किस लिए? तो जो भी एसएमई के अंतर्गत जो भी इंडस्ट्रीज आते हैं, ठीक है, उनके क्रेडिट गुणों तक पहुंचने के लिए और एक समझने के लिए कि उनका क्रेडिट गुण कैसा है। अगला क्वेश्चन है, गंधार कला बौद्ध दर्शन कला की शैली है जो एक शताब्दी ईसा पूर्व और सातवीं शताब्दी ईसा के मध्य विकसित हुई थी, देश राजवंश के दौरान यह समृद्ध हुई। कौन सा राजवंश है? वह है कुषाण राजवंश। ठीक है, गंधार कला का विकास जो है वह सर्वाधिक कुषाण काल में हुआ था, जिसका जन्म हेलेनिस्टिक कला से हुआ है या इंडो ग्रीक कला से हुआ है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मोनोसेक्राइड शर्करा का एक रूप नहीं है? मोनोसेक्राइड शर्करा का एक रूप इसमें से कौन नहीं है? कौन नहीं है? यह माल्टोस। ठीक है, माल्टोस एक मोनोसेक्राइड का जो रूप है वह नहीं है। ग्लैक्टोस, ग्लूकोस, फ्रुक्टोस ये सभी है। मैंने बताया था मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, ठीक है, पॉलीसेक्राइड, इन विभिन्न तरह के जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उसका डिवीजन होता है, तो उसमें से आपसे पूछा जा रहा था मोनोसेक्राइड्स कौन सा नहीं है, यह है माल्टोस। ठीक है, ये डाइसेक्राइड्स है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, UNITAR का विस्तृत रूप क्या है? UNITAR जल्दी बताओ, आज आप लोगों को लगता है भारी लग रहा है, जल्दी बताओ क्या होगा UNITAR का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च, UNITAR, यूनाइटेड नेशंस इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च, ये होता है इसका फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन है, एक भूस्थिर उपग्रह लगभग 35,790 किलोमीटर की ऊंचाई से पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी करने में कितना समय लेगा? जल्दी बताओ। देखो, ये जो 35,790 है इसको आप जो राउंड फिगर है उसका ले लो 36,000 किलोमीटर। ठीक है, ये सब जो डाटा दिया हुआ रहता है ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है। ठीक है, आपको आपको पता होना चाहिए भू स्थिर उपग्रह जो है, जियो स्टेशनरी जो भी आपके सेटेलाइट्स हैं वो 36,000 किलोमीटर के एवप पे रहते हैं। ठीक है, तो आप वही मान के चलो इसको कितना समय लगेगा, तो इसको मोटा मोटा जो है वो लगेगा 24 घंटा। ठीक है, अब ये 35,790 है, एग्जैक्ट निकालोगे तो कुछ कम लगेगा, लेकिन यहाँ पे आपको उससे मतलब है नहीं, यहाँ पे आपका आंसर होगा 24 घंटा। अगला क्वेश्चन है, नंदा देवी पर्वत चोटी भारत के किस राज्य में स्थिर है? नंदा देवी पर्वत चोटी भारत के किस राज्य में स्थिर है? किस राज्य में स्थिर है? यह उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ है? उत्तराखंड में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित त्योहारों में से क्या समानता है? इन सभी त्योहारों में देखना है आपको, मकर संक्रांति, पोंगल, लोहड़ी और बैसाखी, इसमें क्या समानता है ये आप बताओ, क्या समानता है?
इसमें समानता है कि ये सभी फसल कटने से संबंधित त्यौहार है। ठीक है, मकर संक्रांति जो है वह सूर्य देवता के सम्मान में मनाया जाने वाला एक हिंदू त्यौहार है और इसे प्रतिवर्ष जनवरी में मनाया जाता है। आप जानते हो मकर संक्रांति को जनरली जो है वह 14 जनवरी को मनाया जाता था, लेकिन अब 15 जनवरी को ही मनाया जाता है। पोंगल जो है यह तमिलनाडु में फसल कटने पर मनाया जाता है। ठीक है, और इसके बाद आपका लोहड़ी है, लोहड़ी कब कहाँ मनाया जाता है, यह पंजाब में मनाया जाता है फसल कटने पर। और अगर इसके बाद देखें तो है आपका बैसाखी, बैसाखी कहाँ मनाया जाता है, ये भी पंजाब में मनाया जाता है फसल कटने पर। तो इस तरह से सबसे अलग आपका कौन सा, सॉरी इसमें से सबका जो मनाए जाने का रीज़न है वो कौन सा हुआ, वो हुआ फसल कटने पर। ठीक है, और मकर संक्रांति आप जानते हो ये बिहार झारखंड इन सब एरिया में ये मनाया जाता है, नॉर्थ इंडिया का ये एक पर्व है जो फसल कटने पर मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, 3 दिवसीय नर्मदा महोत्सव में एक दिन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ थीम के लिए आरक्षित है। नर्मदा महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया था, एक दिन जो नर्मदा महोत्सव का था वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ थीम के लिए रखा गया था। ये कहाँ मनाया गया था नर्मदा महोत्सव, ये मध्य प्रदेश में मनाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने एम अजीत कुमार को जनवरी 2020 में अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया, यानी किस चीज के अध्यक्ष के रूप में एम अजीत कुमार को नियुक्त किया गया, ये किया गया है सीबीआईसी के अध्यक्ष के रूप में, यानी केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड। इंपॉर्टेंट है इसको याद रखना, अभी सीबीआईसी हेड कौन है, यह है एम अजीत कुमार। क्लियर है, अगला क्वेश्चन है, विदेश मंत्रालय ने अजय बिसारिया को भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया है, यानी कहाँ किया गया है भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त, किसको, तो अजय बिसारिया को, कहाँ का किया गया है, कनाडा का किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यहूदियों की धार्मिक पुस्तक कौन सी है, यहूदियों की धार्मिक पुस्तक, तो यह है मूसा संहिता। ठीक है, मूसा संहिता ये यहूदियों का आप बोल सकते हो धार्मिक पुस्तक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत की मल्टी एप्लीकेशन सोलर टेलीस्कोप यानी MAST को डैश के सौर वेधशाला में परिचालित किया गया था, कहाँ के सौर वेधशाला में MAST को परिचालित किया गया था, यानी मल्टी एप्लीकेशन सोलर टेलीस्कोप इसको परिचालित किया गया था कहाँ पे, उदयपुर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बोम्बयाला देवी लैसराम, क्या है नाम इनका, बोम्बयाला देवी लैसराम निम्नलिखित में से किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करती हैं, किस खेल में, तो ये है तीरंदाजी में, क्या नाम है, बोम्बयाला देवी लैसराम। अगला क्वेश्चन है, अभिनव भारत सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशनरीज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, अभिनव भारत सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशनरीज इसकी स्थापना की गई थी विनायक सावरकर के द्वारा, किसके द्वारा, वीडी सावरकर जिसको हम लोग जानते हैं, विनायक दामोदर सावरकर। ठीक है, और इनके भाई थे गणेश दामोदर सावरकर, इन दोनों ने मिलकर 1903 ईस्वी में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना की थी। ठीक है, और यह एक तरह का गुप्त संस्था था। अगला क्वेश्चन है, डैश के द्वारा कंप्यूटर में फाइल टाइप को पहचाना जा सकता है, किससे हम लोग कंप्यूटर में फाइल टाइप को पहचानते हैं, तो जो भी फाइल का एक्सटेंशन रहता है उससे हम लोग पहचानते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ .doc, अगर ये फाइल है इसके सामने कुछ भी नाम है, ठीक है, तो आप इसको डॉक्यूमेंट ही समझोगे और ये डॉक्यूमेंट ही होगा। जैसे GIF अगर मैं बोलूँ तो ये GIF फीचर वाला ही इमेज होगा। ठीक है, इस तरह से आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, अजंता की गुफाओं की चित्रकला भारत में डैश के स्वर्ण युग का प्रमाण है, अजंता की गुफाओं का चित्रकला किसके स्वर्ण युग का प्रमाण है, किसके स्वर्ण युग का प्रमाण है, यह बौद्ध धर्म का। ठीक है, महाराष्ट्र में स्थित है, ये बौद्ध से बहुत ही प्रभावित है ये अजंता की गुफा, और इसमें बहुत सारे जो चित्रकला है वो आपको बौद्ध धर्म से देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के संदर्भ में GUI का क्या अर्थ है, दिया हुआ है आपको कंप्यूटर के संदर्भ में बताना है, कोई और शॉर्ट फॉर्म आप अपना मत बना लेना, जल्दी बताओ क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, आसान सा क्वेश्चन है, कभी भी आपसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं किसी भी एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, 34वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का उद्घाटन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा किया गया, सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला दुनिया में सबसे बड़ा शिल्प मेला है जिसे
भारतीय राज्य में आयोजित किया गया, आपको ये बताना है कहाँ आयोजित किया गया था, सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला, इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। जल्दी बताओ क्या होगा आंसर, आंसर होगा हरियाणा। ठीक है, जो सूरजकुंड मेला है इसका आयोजन हरियाणा में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन के द्वारा किया गया था, यह भी आसान सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत उपकरणों को वोल्टेज स्पाइक से बचाने हेतु निम्नलिखित में से किस उपकरण को डिजाइन किया गया है, कौन सा उपकरण है वो जो वोल्टेज स्पाइक से जो विद्युत उपकरण है उसकी रक्षा कर सकता है, क्या नाम है उसका, नाम है सर्ज प्रोटेक्टर, क्या नाम है उसका, सर्ज प्रोटेक्टर या सर्ज सप्रेसर भी इसको बोला जाता है। ठीक है, यह एक उपकरण है जिसे विद्युतीय उपकरणों को वोल्टेज स्पाइक से सुरक्षा प्रदान किया जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय रेलवे का शुभंकर कौन सा है, इन चारों में से बताना है, भारतीय रेलवे यानी इंडियन रेलवे का शुभंकर क्या है, यह भोलू हाथी, क्या है, भोलू हाथी। ठीक है, अगर इसको आपको याद रखना है तो आप याद रखना, जब लालू यादव रेलवे मिनिस्टर थे तो जो आपका ट्रेन का सामने वाला पार्ट है वहाँ पे उन्होंने एक इमेज बनाया था हाथी का, भोलू हाथी का, उसके एक हाथ में लैंप टंगा हुआ था, मेरे दिमाग में अभी भी वो इमेज घूमते रहता है, इसलिए मुझे याद रहता है कि इसका जो मैस्कॉट है वो है हाथी। ठीक है, और नाम है उसका भोलू हाथी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कार्बन निगेटिव बनने वाला विश्व का पहला देश है, तो विश्व का पहला देश कौन है जो कार्बन निगेटिव बना है, वो कौन सा देश है, वो देश है भूटान। ठीक है, क्योंकि वहां पे जितना कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होता है उससे अधिक उसका जो वन क्षेत्र है वो है और वो अब्सॉर्ब कर लेता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो संचार को संभव बनाती है, कौन सी परत है, आसान सा क्वेश्चन है, वो है आयन मंडल, जो आपके रेडियो सिग्नल्स को पाथ प्रोवाइड करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मामले में निर्णय के कारण संविधान में पहला संशोधन हुआ, तो संविधान में पहला संशोधन किस निर्णय के कारण हुआ था, ये हुआ था चंपकम दौरे राजन बनाम मद्रास राज्य का जो केस था। ठीक है, 1951 इसके तहत इसमें पहली बार संशोधन की गई थी और ये आपका जो कम्युनल जियो से संबंधित था। ठीक है, और इसका जो फैसला था यानी मद्रास हाईकोर्ट का जो फैसला था सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको बरकरार रखा था। ठीक है, और ये कुछ क्या बोलते हैं उसको, सरकारी नौकरियों और कॉलेजों में सीटों में जाति आधारित आरक्षण के तहत था। ठीक है, उसमें प्रदान किया जाना था उसको लेकर यहाँ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए, इन चारों में से जो बेस्ट ऑप्शन है आपको वो चुनना है, किसी से रिलेटेड, तो कोल्ड स्टोरेज में फल अधिक समय तक सुरक्षित रहते हैं, क्यों, क्या कारण है, क्या कारण है, क्योंकि फलों के श्वसन दर को कम कर दिया जाता है कोल्ड स्टोरेज में। क्या होता है, कोल्ड स्टोरेज में जो भी खाद्य सामग्रियां या फल जो भी रखा जाता है उसका जो श्वसन दर होता है उसको कम कर दिया जाता है, जिसके कारण से वह अधिक समय तक सुरक्षित रह सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सिपाही विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था, जल्दी बताओ कौन था भारत का गवर्नर जनरल, तो ये थे लॉर्ड कैनिंग, क्योंकि सिपाही विद्रोह कब हुआ था, ये हुआ था 1857 में और 1856 में ही लॉर्ड कैनिंग बने थे, ये 56 से लेकर 62 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे थे। अगला क्वेश्चन है, मालदीव 2020 में राष्ट्रमंडल देशों के साथ फिर से शामिल हुआ, अभी राष्ट्रमंडल परिवार में देशों की संख्या कितनी है, राष्ट्रमंडल से मालदीव बाहर हो चुका था फिर से ये शामिल हो गया है तो टोटल नंबर फिर से हो गया है 54। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संवैधानिक निकायों में से किसके पास कानून बनाने के मामले में सबसे कम अधिकार है, इन चारों में से बताओ कानून बनाने के मामले में सबसे कम अधिकार किसके पास है, किसके पास है, यह विधान परिषद के पास। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन वे, ये वे मखली गोसाल, इन्होंने आजीवक संप्रदाय की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर फैला हुआ था, चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत में भी फैला हुआ था, ये हमें कहां से पता चलता है, ये हमें रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है। ठीक है, इससे हमें पता चलता है कि पूर्वी एवं पश्चिमी मालवा द्वारका, ठीक है, इसके आसपास के क्षेत्र सौराष्ट्र कच्छ सिंधु ये सारे जो एरिया है वह मौर्य साम्राज्य के अंदर आता था। अगला क्वेश्चन है, उस स्रोत का नाम बतलाइए जो
प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है? जल्दी बताओ, ये क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है। वो कौन सा स्रोत है जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है? कौन है वो? वो है मिलिंद पन्नो। मिलिंद पन्नो ये बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है जिसको मिनांडर, आपने पता होगा मिनांडर और क्या नाम था, नागसेन, ठीक है, इन दोनों का जो संवाद है उसको इसमें कलेक्ट किया गया है। इसमें मिनांडर का क्वेश्चन है और जो नागसेन थे उनका इसमें उत्तर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल का फाइल एक्सटेंशन निम्नलिखित में से कौन सा है? आसान सा क्वेश्चन है आपके कंप्यूटर से, एमएस एक्सेल का एक्सटेंशन क्या होता है? क्या होता है एमएस एक्सेल का? ये होता है आपका XLSX। क्या होता है? SLSX, ये होता है एमएस एक्सेल का एक्सटेंशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बारहमासा की रचना किसने की थी? बारहमासा की रचना किसने की थी? ये किया गया था मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा। बारहमासा इसकी रचना किसने की है? मलिक मोहम्मद जैसी ने। अगला क्वेश्चन है, अटलांटिक महासागर को पार करने वाला दुनिया का पहला बधिर व्यक्ति कौन है? अटलांटिक महासागर को पार करने वाला दुनिया का पहला बधिर व्यक्ति कौन है? वो है मो ब्रायन, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, संयुक्त स्टॉक कंपनियों की लेखा परीक्षा होती है ताकि, अब आपको बताना है ये चार ऑप्शन में से कौन सा आपका सही है, लाभ बढ़े, साख बढ़े, शेयरधारक संतुष्ट हो या वैधानिक आवश्यकता पूरी हो। इसमें से बताना है क्या क्या आपका सही है। इस संयुक्त स्टॉक कंपनियों की लेखा परीक्षा होती है, क्या कारण है इसका? क्या कारण है इसका? कारण है केवल ये कि वैधानिक आवश्यकता पूरी हो, ठीक है। संयुक्त स्टॉक कंपनियों की लेखा परीक्षा का प्राथमिक उद्देश्य कानूनी आवश्यकताओं को पूरा करना है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन क्या है, 2 ASPA और C ASPA प्रथा किसने शुरू की थी? जल्दी बताओ, ये भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, 2 ASPA और C ASPA ये जहांगीर के द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है। इस व्यवस्था के अंतर्गत मनसबदारों को अपने जो सवार पद के अनुसार है उसके अनुसार रखा गया था, उसके अनुसार उनको सैन्य बल भी दिए जाते थे, ठीक है। 2 ASPA में 2 घोड़ा रखने वाला होता था, C ASPA में 3 घोड़ा रखने वाला होता था, ठीक है, और एक सिर्फ ASPA आता था जिसके पास 1 घोड़ा हुआ करता था। अगला क्वेश्चन है, भारत में 1612 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1612 में कहाँ स्थापित की थी? ये की थी सूरत में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था? 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो था इसको रद्द किसने किया था? इसको रद्द किया गया था लॉर्ड रिपन के द्वारा, और इसको लाया किसके द्वारा गया था? लॉर्ड लिटन के द्वारा। कब रद्द किया गया था? 1882। अब अगर भूलोगे तो डंडे पड़ेंगे, सोच लो, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से इसको बहुत बार याद करवा दिया है, अब इसको भूलना आपके बस की बात नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने फरवरी 2020 में मोहम्मद तौफीक अल्लावी को अपना नया प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया है? वह अदिल अब्दुल महदी के उत्तराधिकारी हैं। अब आपको बताना है किस देश के ये प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं, किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? ये हुए हैं इराक के प्रधानमंत्री। क्या नाम है इनका? मोहम्मद तौफीक अल्लावी। क्या नाम है? मोहम्मद तौफीक अल्लावी। अगला क्वेश्चन है, इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन थे? इंडियन अनरेस्ट के लेखक हैं वैलेंटाइन सिरोल। कौन है? वैलेंटाइन सिरोल। और वैलेंटाइन सिरोल ने किसको कहा था इसका, इंडियन अनरेस्ट का या इन भारत में अशांति का जन्मदाता किसको कहा था? बाल गंगाधर तिलक को कहा था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को उच्चतम से निम्नतम पद के क्रम में लगाएं। जल्दी बताओ, इन चारों में से उच्चतम से निम्नतम पद के हिसाब से आपको अरेंज करना। क्या होगा सही आंसर? देखो क्या क्या है, कैबिनेट सचिव, कलेक्टर, सब संभागीय आयुक्त और प्रमुख सचिव। तो इसमें से सबसे पहले क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा? सबसे पहले इसमें क्या आएगा? सबसे पहले आपका आएगा इसमें कैबिनेट सचिव, ठीक है। उसके बाद दूसरे स्थान पे क्या आएगा? दूसरे स्थान पे आएगा प्रमुख सचिव। तीसरे स्थान पे आएगा संभागीय आयुक्त। और चौथे स्थान पे आएगा आपका कलेक्टर, ठीक है। आपका सही ऑप्शन जो है वह हो जाएगा ए, क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, नाई धोबी बंद सामाजिक बॉयकॉट का एक स्वरूप था जो 1919 में किसके द्वारा किया गया था, ये बताओ। नाई धोबी बंद ये कहाँ किसके द्वारा किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में, ठीक है। किसके द्वारा किया गया था? किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में।
अब ये किस लिए किया गया था ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये भी आप जानो। देखो हुआ क्या था, 1919 के टाइम से पहले का ये थोड़ा सा है कि उस वक्त जो ब्रिटिश हुकूमत थे उनसे जो किसान हैं उन्होंने अपने हक की मांग बहुत बहुत की थी इससे पहले, लेकिन उन लोगों पे कोई फर्क नहीं पड़ता था, ठीक है। तो अंतिम जो निर्णय किसानों ने लिया वो ये लिया कि जो भी आपके जमींदार हैं, जो भी जो ब्रिटिश हुकूमत के चमचे हैं, ठीक है, उन सभी तक जो भी बेसिक नेसेसिटीज़ हैं उन सब चीज़ों को बंद कर दो, ना ही धोबी इसलिए नाम दिया गया, ना तो धोबी जाएगा ना ही जाएगा, कोई फैसिलिटी उनको नहीं मिलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नई दिल्ली में विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन यानी WSDS 2020 के लिए थीम क्या था। WSDS 2020 यानी विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन, इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ और इसका थीम क्या था, क्या था इसका थीम, इसका थीम था 2030 लक्ष्यों की ओर दशक की गणना करना, ठीक है, ये था इस बार का थीम, क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे 2020 का विषय वेटलैंड्स एंड बायोडाइवर्सिटी है, विश्व वेटलैंड्स दिवस हर साल कब मनाया जाता है। तो 2020 का वेटलैंड्स डे जो मनाया गया उसका थीम था वेटलैंड्स एंड बायोडाइवर्सिटी। अब आपको बताना है, आसान सा क्वेश्चन है, कब मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, ये हर वर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मुंगेर का बरिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था। मुंगेर में एक विरोध हुआ था जिसका नाम था बरिया ताल विरोध, आपको ये बताना है इसका उद्देश्य क्या था। इसका उद्देश्य था बकासत या बकास्त भूमि की वापसी की मांग, ठीक है, क्या था, बकास्त भूमि की वापसी का मांग। अगला क्वेश्चन है, एड 2020 कॉन्क्लेव किस से संबंधित है। एड 2020 कॉन्क्लेव का संबंध किससे है, यह कृषि से संबंधित है, एड 2020 कॉन्क्लेव, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने किस भारतीय राज्य में 5 दिवसीय तटीय सुरक्षा अभ्यास मातला अभियान जो इस वर्ष जनवरी में आयोजित किया गया था किया था, यह आपको बताना है, किस राज्य में इसका आयोजन किया गया था, किस राज्य में किया गया था, इसका आयोजन पश्चिम बंगाल में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, स्वचालित वर्षा सेंसर डैश के सिद्धांत पर काम करता है। स्वचालित वर्षा सेंसर जो होता है वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है, किस सिद्धांत पर, तो कुल आंतरिक प्रतिबिंब के सिद्धांत पर कार्य करता है, किस पर, कुल आंतरिक प्रतिबिंब के सिद्धांत पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आकाश नीला लगता है क्योंकि, जल्दी बताओ, बहुत बार आपने पढ़ा है और हर बार क्वेश्चन आने पे आप सोचते हो क्या कारण है, जल्दी बताओ क्या कारण है। देखो एक अगर एक वर्ड में अगर आपका आंसर रहता है तो आपका आंसर होता है परिकीर्णन, ठीक है, लेकिन यहाँ तो एक वर्ड में है नहीं तो आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन आप 4 ऑप्शन में से देखोगे तो एक में बी में परिकीर्णन दिख रहा है तो आप इसको पूरा पढ़ लो। लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक परिकीर्ण होती है, ठीक है, इसका जस्ट उल्टा भी आपसे पूछा जा सकता, दिया जा सकता है दूसरे ऑप्शन में कि दीर्घ तरंगे लघु तरंगों की अपेक्षा अधिक परिकीर्ण करती है, तो आप कंफ्यूज हो जाते, याद रखना है लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा अधिक परिकीर्ण होती है, इस कारण से दिखाई देता है। अब इसको समझ भी लो, देखो लाल कलर और नीला कलर यही दो तो कलर है जो आपको परेशान करता है, ठीक है, तो लाल कलर जो है इसका तरंग दैर्ध्य नीले प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की अपेक्षा बहुत अधिक है, लगभग 1.8 गुनी होती है, ठीक है। अब क्या होता है कि जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के जो सूक्ष्म कण होते हैं, ठीक है, वह लाल कलर की अपेक्षा नीले रंग को अधिक प्रबलता से परिकीर्ण करता है और इसी कारण से आपको नीला दिखाई देता है आकाश, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लवण जल में कठोरता का कारण है। जल में कठोरता का कारण यानी हार्ड वाटर का क्या कारण है, जल्दी बताओ क्या होता है उसमें, उसमें कैल्शियम बाइकार्बोनेट होता है, ठीक है। हार्ड वाटर का जो कारण है वह है कैल्शियम बाइकार्बोनेट या मैग्नीशियम कार्बोनेट, ये दोनों अगर प्रेजेंट है पानी में तो वो पानी हार्ड वाटर होगा, ठीक है। अगला क्या है, जनवरी 2020 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा निम्नलिखित में से किसे क्रिकेट सलाहकार समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। इन तीनों में से तीनों को चुना गया था, आपका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है, मदन लाल, रुद्र प्रताप सिंह और सुलक्ष्मणा नायक, इन तीनों को क्या चुना गया है, इन तीनों को चुना गया है क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का क्रिकेट सलाहकार समिति का मेंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, परमाणु बम का सिद्धांत किस पर आधारित है,
नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। अगर यहाँ पे हाइड्रोजन बम देता तो नाभिकीय संलयन होता, परमाणु बम है तो नाभिकीय विखंडन होगा। वायु क्या है, यौगिक है, तत्व है, मिश्रण है या विद्युत अपघटय है? तो ये तो ऑप्शन तो आपको पता है, ये तो होगा ही नहीं। अब बताओ क्या है इन तीनों में से। वायु क्या है, तो वायु एक मिश्रण है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सिंचाई के पानी में उर्वरक या रसायनों की मिलावट डैश कहलाती है। अगर सिंचाई के पानी में उर्वरक या रसायनों की मिलावट की जाती है तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है फर्टिगेशन। क्या कहा जाता है? फर्टिगेशन, ठीक है। जब हम लोग फर्टिलाइजर को मिलाते हैं, फर्टिलाइजर का मतलब क्या हुआ? उर्वरक, ठीक है। इसको जब मिलाते हैं और इरिगेशन के साथ हम लोग इसको मिलाते हैं, देखो यहाँ पे दो वर्ड है, फर्टिलाइजेशन और इरिगेशन, तो जब दोनों हम लोग साथ में करते हैं तो इसको हम लोग फर्टिगेशन बोल देते हैं। अच्छा क्वेश्चन था, पर आसान सा क्वेश्चन है, आप इसको समझ सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 1973 के किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले फैसले को दुरुस्त किया और कहा कि प्रस्तावना संविधान का एक हिस्सा है? पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, वो इससे अलग है, हम लोग इसमें संशोधन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बाद में फिर 1973 में आपको पता है केशवानंद मामला जो आया था उसके कारण से सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला बदला था। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल से गंगा और यमुना नदियों की प्रसिद्ध मृण मूर्तियां कहाँ पाई गई है? अच्छा गुप्त काल से नहीं, गुप्त काल की होगा, ठीक है। गुप्त काल का गंगा और यमुना नदियों का प्रसिद्ध मृण मूर्ति मिला है, कहाँ से मिला है? ये मिला है अहिचछत्र से। कहाँ से मिला है? अहिचछत्र से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस दुनिया भर में हर वर्ष कब मनाया जाता है? महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ये मनाया जाता है 25 नवंबर को। कब मनाया जाता है? 25 नवंबर को। अगला क्वेश्चन है, मौ पौधे की भांति पौधा मिलता है, कैसे मिलता है आपको मौ पौधे की भांति? बीजों से मिलता है, तना काट तना से मिलता है, या कैसे मिलता है? तो आपको इन दोनों प्रोसेस से मिलता है, या तो बीज से लगाओ या फिर आप उसका तना काट के लगाओ, ठीक है। जो भी प्रोसेस आप अपनाओगे दोनों से आपको मौ पौधे की तरह पौधा मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन प्राप्त होता है, इंसुलिन इन चारों में से बताना है आपको एक्सटर्नली हमें कहाँ से प्राप्त होता है। चलिए बताओ इंसुलिन कहाँ से प्राप्त होता है, तो इंसुलिन डालिया के जड़ों से प्राप्त होता है, ठीक है। और हमारे शरीर में इंसुलिन कौन स्रावित करता है, तो लैंगरहंस द्वीप का बीटा सेल, लैंगरहंस द्वीप जो पेनक्रियास के पास होता है, ठीक है, तो उसका बीटा सेल इंसुलिन स्रावित करता है। और एक्सटर्नली यहाँ पे जो चार ऑप्शंस में है इसमें से जो डालिया होता है, ठीक है, उसका जड़ इंसुलिन का अच्छा सोर्स होता है। अगला क्वेश्चन है, मोपला किसान संघर्ष कहाँ हुआ था? मोपला किसान संघर्ष ये मालाबार तट पर हुआ था, ठीक है। और अगर जगह का बात करोगे आप तो ये जगह केरल का आएगा, ठीक है। 1921 ईस्वी में इसका जो विरोध है वो हुआ था। अगला क्वेश्चन है, विकास का मुख्य कारक है, तो विकास का मुख्य कारक क्या है? विकास का मुख्य कारक है प्राकृतिक वरण यानी नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। डार्विन का आप जानते हो ये थियरी है कि जो विकास है उसका मुख्य कारक क्या है? प्राकृतिक वरण या नेचुरल सिलेक्शन। अगला क्वेश्चन है, भारत की पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष के रूप में अभी किसको चुना गया है? किसको चुना गया है? ये चुना गया दीपा मलिक को। किसको? दीपा मलिक को। अगला क्वेश्चन है, अवसादी शैलों के लिए निम्नलिखित में से कौन कथन असत्य है? अवसादी चट्टानों के बारे में आपसे बात किया जा रहा है, चार स्टेटमेंट दिया हुआ है, जल्दी से पढ़ो और बताओ इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। पहला है, ये वैसे शैल हैं जिनकी संरचना ताप तथा दाब पर निर्भर करती है। क्या अवसादी चट्टान यानी सेडिमेंट्री रॉक के लिए ये सही है? बिल्कुल सही है। दूसरा है, ये शैलें क्रिस्टलीय होती है, ये भी सही है। तीसरा है, ये शैलें अस्तरों में निक्षेपित होता है, ये भी सही है। और लास्ट है, ये शैलें जल में नहीं निर्मित हो सकती, ये गलत है। ये शैलें जल में निर्मित हो सकती है, जल के भीतर भी निर्मित होती है, ठीक है। और जो क्रिस्टलीय रूप है आपको इसका क्रिस्टलीय रूप भी दिखेगा और अक्रिस्टलीय रूप भी दिखेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ जो है वो भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलवाते हैं। अब बहुत सारे बच्चे इसमें राष्ट्रपति को लेकर गलत फहमी में रहते हैं,
आपको पता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का बात किया जाए तो आपका आंसर होगा राष्ट्रपति, लेकिन जैसे ही चीफ जस्टिस नियुक्त हो जाते हैं अदर जजेस को जो नियुक्त करना होता है उसको मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस खुद शपथ दिलाते हैं, ठीक है। और अभी टोटल जजों की संख्या है 33+1 यानी एक चीफ जस्टिस और एक्स्ट्रा 33 यानी 34 जज अभी सुप्रीम कोर्ट में होते हैं। अगला क्वेश्चन है किस भारतीय शहर और राज्य ने 2020 में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के कार्यान्वयन में प्रथम स्थान हासिल किया है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना इसके कार्यान्वयन में प्रथम स्थान किसको मिला है, किसको मिला है, ये मिला है इंदौर शहर में, इंदौर हो गया, और राज्य में मध्य प्रदेश हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है डैश प्रौद्योगिकी यानी आईटी नेटवर्क पर भेजे गए डेटा का एक असतत खंड है, बताओ इन चारों में से क्या है। देखो जो भी नेटवर्क पे हम लोग मैसेज भेजते हैं ना वो अलग अलग पैकेट्स में बढ़ जाता है, क्या किस में बढ़ जाता है, पैकेट्स में, ठीक है। और ये जो डाटा सेगमेंट है ये एक सेगमेंट को नाम दिया गया पैकेट और इसमें बहुत सारे बिट्स होते हैं, ठीक है, छोटा एक बिट्स का एक समूह बनाया जाता है और एक पैकेट वो ऑटोमेटिकली बन जाता है, इसको क्या बोला जाता है, पैकेट। अगला क्वेश्चन है भीमकाय पांडा निम्नलिखित प्रसिद्ध संगठनों में से किसका शुभंकर है, इन चारों में से आपको बताना है कि भीमकाय पांडा किसका शुभंकर है, किसका शुभंकर है, यह है WWF का, विश्व वन्यजीव निधि अथवा प्रकृति हेतु विश्वव्यापी निधि, ठीक है। इसका क्या है सिंबल, इसका सॉरी इसका शुभंकर यानी मैस्कॉट क्या है, यह है एक विशालकाय यानी भीमकाय पांडा, ठीक है। अगला क्वेश्चन नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है, इन चारों में से बता रहे हैं नकदी फसल में क्या सम्मिलित नहीं है, तो आपको ऑप्शन देख के ही लग रहा होगा गेहूं जो है वह नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है, ये क्या कौन सा फसल है गेहूं, ये रबी फसल है, गेहूं जौ चना मटर सरसों राई ये सभी रबी फसल में आते हैं, खरीफ फसल है चावल ज्वार आलू बाजरा रागी मक्का जूट मूंगफली, देखो चावल तो अक्सर लोग कर लेते हैं ज्वार कर लेते हैं लेकिन रेस्ट जो मैं ऑप्शन बोल रहा हूँ बाजरा भी कर लेते हैं लेकिन रेस्ट जैसे मक्का हुआ जूट हुआ मूंगफली हुआ, तो जूट आपका जो कैश क्रॉप है वो भी है लेकिन इसको खरीफ क्रॉप में भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, लेकिन गेहूं को हम लोग कैश क्रॉप के रूप में नहीं ले सकते। अगला क्वेश्चन है साफ रातें मेघाच्छादित रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है, ऐसा क्यों होता है कि जो मेघ वाला रात है उससे अधिक ठंडा आपको साफ रात में महसूस होता है, ऐसा क्यों है, क्योंकि विकिरण का इसका मेन रीजन है विकिरण, विकिरण के कारण साफ रातें जो मेघ वाले रात है उससे अधिक ठंडी होती है। होता क्या है किसी पदार्थ के ऊष्मा के तरंगों का अगर बात करें तो वह सीधा गर्म होता है विकिरण के कारण, ठीक है, अगर मैं हीट का बात करूं, और विकिरण के चलते अगर मेघ वाला रात है तो पृथ्वी का तापमान जो है वह मेघ से परावर्तित होकर वापस आ जाता है यानी यहाँ पे हीट ट्रैप हो जाता है इसलिए आपको ज्यादा गर्मी महसूस होता है, अगर साफ है तो फिर वो रिफ्लेक्ट होकर वापस चला जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक बलकृत रूप से बना अवसादी चट्टान है, अब देखो यहाँ पे अवसादी चट्टान आया है, ठीक है, तो आपको बलकृत अवसादी चट्टान शायद ही समझ में आया हो। देखो जब अवसादी चट्टान या सेडिमेंट्री रॉक का हम लोग बात करते हैं तो ये दो तरह का होता है, एक होता है ऑर्गेनिक दूसरा होता है क्लास्टिक, ठीक है, तो ये जो क्लास्टिक तरह का ऑर्गेनिक चट्टान है इसी को यहाँ पे बलकृत लिखा गया है। ये क्लास्टिक क्या होता है, देखो ये पहले से टूटा फूटा रहता है, ठीक है, उसके बाद फोर्सिवली ये स्टोन के रूप में उभर के आता है, लेकिन अगर हम लोग ऑर्गेनिक का बात करें तो ये सब ऑर्गेनिक रूप से ही बनता है ये चट्टान, जैसे आपका कोयला वगैरह हुआ ये सब ऑर्गेनिक आता है, ठीक है, और आपका जो सैंडस्टोन है वो उस तरह के चट्टान को हम लोग फोर्स्ड या बलकृत या क्लास्टिक सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बालूकास्म, ये है आपका सैंडस्टोन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक विषय 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के उपबंधों के अधीन भारत के संविधान की समवर्ती सूची में नहीं जोड़ा गया था, जल्दी बताओ इन चारों में से कौन सा 1976 के उपबंधों के तहत नहीं जोड़ा गया था, यह है आपका रेलवे, ठीक है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम जो 1976 में हुआ था इसके द्वारा भारतीय संविधान में बहुत सारे बदलाव लाए गए और समवर्ती सूची में क्या क्या जोड़ा गया था, शिक्षा आपका चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय, ठीक है, वन्य जीव और पक्षियों का संरक्षण जनसंख्या नियंत्रण परिवार नियोजन इन सभी चीज़ों को समवर्ती सूची में लाया गया था, लेकिन रेलवे जो है यह नहीं लाया गया था, रेलवे अभी भी कैन सूची में ही है।
अगला क्वेश्चन है, यदि एक नागरिक के लिए सूचना का अधिकार यानी आरटीआई अधिनियम के तहत अपील और दूसरी अपील के उपाय का इस्तेमाल समाप्त हो जाता है तो वह संविधान के अनुच्छेद डेस के तहत उच्च न्यायालय में जा सकता है। तो किसके तहत? यह अनुच्छेद 226 के तहत, ठीक है, उच्च न्यायालय में बोला जा रहा है। तो उच्च न्यायालय में 226 अनुच्छेद के तहत वह जा सकता है, क्योंकि अगर उसका जो अधिकार है उसका हनन हो रहा है। अगर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट देता तो आपका आर्टिकल 32 होता, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। और जो ये आरटीआई का अधिकार है, ये कब लागू हुआ था? 2005 में ये लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन आपको कहाँ से कहाँ तक के अनुच्छेद में मिलता है, बताओ। आसान सा क्वेश्चन है, कहाँ से कहाँ तक? मौलिक अधिकारों का आर्टिकल है, ये है आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? कौन सा वो अनुच्छेद है? वो है अनुच्छेद 40, ठीक है। ये आपका नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है और इसमें राज्यों को ग्राम पंचायत को संगठित करने का निर्देश दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, नोवल कोरोना वायरस को राज्य आपदा घोषित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है, यानी पहला भारतीय राज्य कौन बना जिसने नोवल कोरोना वायरस को राज्य आपदा घोषित किया था? कौन सा राज्य है वो? वो राज्य आपका हरियाणा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, समुद्री जीव हवा के संपर्क के बिना जल में कैसे जीते हैं? समुद्री जीव हवा के कॉन्टैक्ट के बिना कैसे जीते हैं, ये आपको बताना है। कैसे जीते हैं? क्योंकि वो जल से ही ऑक्सीजन ले लेते हैं, तो हवा में आने की उसको जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव शरीर में पेट दर्द का कारक है? इन चारों में से बताना है मानव शरीर में पेट दर्द का कारक क्या हो सकता है, क्या हो सकता है? एसिड, ठीक है। मानव शरीर में पेट दर्द या कोई भी पेट का कारण हो, उसका जो एक मेजर कारण होता है वह होता है एसिडिटी, ठीक है, यानी एसिड के कारण दर्द कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना का वह एकमात्र अधिकारी कौन है जिसे फील्ड मार्शल की पदवी के बराबर 5 सितारा श्रेणी पर पदोन्नति किया गया? तो वह भारतीय वायुसेना का एकमात्र अभी तक का अधिकारी है, या पहला अधिकारी भी आप बोल सकते हो। कौन है वो? वो है अर्जन सिंह, ठीक है। 2002 में अर्जन सिंह को भारतीय वायुसेना के पहले और एकमात्र अधिकारी ऐसे बने और जिनको भारतीय वायुसेना के मार्शल के रूप में 5 सितारा रैंक से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन क्या है, धौलागिरी शिखर का दूसरा नाम क्या है? धौलागिरी शिखर का दूसरा नाम क्या है? यह है श्वेत पर्वत। तो श्वेत पर्वत किसका नाम है? यह धौलागिरी पर्वत का नाम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? विजयनगर साम्राज्य का अंतिम शासक कौन हुआ? ये हुआ श्रीरंगा तृतीय। कौन? श्रीरंगा तृतीय विजयनगर साम्राज्य का अंतिम शासक था, और इसने अपने चाचा वेंकट तृतीय के मृत्यु के बाद, क्या था इनके चाचा का नाम? वेंकट तृतीय। इनके मृत्यु के बाद ये सत्ता में आए थे और जो ये वंश था इनका वो था अरविडू वंश, ठीक है, और इनके साथ ही अरविडू वंश का भी समाप्ति हो गया, ठीक है। तो ओके गाइस, तो ये था आज का 100 क्वेश्चन, आई होप कि आपने कुछ सीखा होगा। चलिए कल फिर से मिलते हैं अगले सेशन में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।